हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाय टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपके बारे में दूसरे लोगों से क्या बातें करते हैं। अब ये दूसरे लोग उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो गए, घर वाले हो गए, या और कोई भी जिनको इन्होंने आपके बारे में बता रखा हो। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू शेल जिसमें येलो पोल्का डॉट्स हैं, और दूसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल शेल जिसपे वाइट स्ट्राइप्स हैं। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने दोनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये ब्लू शेल चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको डिस्क्राइब कैसे करते हैं दूसरे लोगों को। अगर कोई पूछे कि बताओ ग्रुप वन किस तरीके के इंसान हैं, तो आपके पर्सन क्या बताते हैं उन्हें। स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप वन पर्सन डिस्क्राइब देम टू अदर्स? वाओ, टाइगर, एक्सेप्ट योर मैग्निफिसेंस। सो आपके जो पर्सन हैं वो आपके लुक्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि आप दिखते कितने अच्छे हैं, आपकी चाल कितनी अच्छी है, आपका बात करने का अंदाज कितना अच्छा है, आपके चेहरे पर एक तेज हमेशा रहता है, आपकी वाणी में एक किस्म का रौब झलकता है। एटीट्यूड नहीं, लेकिन हाँ लगता है कि यार ये कोई ऐसा बंदा बात कर रहा है जिसकी बात सुननी चाहिए, कुछ तो वैल्यू की ये बात बोल रहा है। बहुत लार्जर देन लाइफ इमेज आपकी क्रिएट करके रखी हुई है इस इंसान ने अपने, जिनसे भी ये बात करते हैं आपके बारे में उनके सामने। ये भी बता रखा है कि आप थोड़े गुस्से वाले हैं। अब पता नहीं मुझे ये चीज़ सच है कि नहीं, लेकिन हाँ आपके पर्सन ने ये चीज़ इंक्लूड की है आपके डिस्क्रिप्शन में कि आपको थोड़ी गुस्से की प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और उनको आपके गुस्से से डर लगता है, ये बात भी उन्होंने बताई है। वो ये भी बताते हैं आपके बारे में कि आपको आप खुद बहुत पसंद हो और आप अपनी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखते हैं, और ये भी बताया हुआ है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, हर कोई आपका दोस्त बनना चाहता है, हर कोई आपके करीब आना चाहता है, लेकिन आपके ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, आप हर किसी से बात करते नहीं हैं। आपकी आँखों की भी बड़ी तारीफ की हुई है। हो सकता है आपकी आँखों का जो कलर है वो या तो आप जिस भी जगह में रह रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा यूनिक सा है, और या फिर इन जनरल बहुत ही प्यारी आंखें हैं आपकी, तो आपकी आंखों की भी बहुत तारीफ करते रहते हैं। इनफैक्ट कोई ऐसी क्लोजअप फोटो अगर आपकी है तो वो स्पेशली दिखा दिखा करके ना आपके बारे में बात करते हैं, आपकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई आप उनसे बोलता है आपको डिस्क्राइब करने को, तो बस एक वो गुस्से वाला पॉइंट छोड़ करके बाकी, जैसे कि मैंने बोला, ये सिर्फ आपकी तारीफों के पुल ही बांधते रहते हैं। और स्पेशली आपके लुक्स और आपकी पर्सनालिटी की तो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। ये भी बोलते हैं कि आप उन किस्म के लोगों में से नहीं हैं जो कि अपनी शान घटना जैसा समझे दूसरों की मदद करना। आप आउट ऑफ द वे जाकर के दूसरों के लिए बहुत करते हैं, बहुत दरिया दिल हैं आप। और ये भी बोला है, और बड़े हैरान होकर के बोलते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आता उसको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूं या मैं क्या सोच रही हूं। तो एक पहेली के जैसे भी वो आपको प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने। ओके, तो अब चलिए जान लेते हैं कि ये आपके बारे में बात क्या करते हैं दूसरे लोगों से। एंड जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि ये दूसरे लोग उनके दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, घर वाले, कॉलीग्स, कोई भी हो सकता है जिनसे कि ये बात करते हो आपको लेकर के। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप वन पर्सन टेल अदर्स अबाउट देम? कम्युनिटी, व्हाट इज ग्रुप वन पर्सन टेल अदर्स अबाउट देम? एक्शन, व्हाट इज ग्रुप वन पर्सन टेल अदर्स अबाउट देम? एंड कॉर्नकोपिया। वाओ, सो आपके जो पर्सन हैं वो एक किस्म का
डर प्रकट करते हैं दूसरे लोगों से आपके बारे में बात करते वक्त? डर इस बात का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपकी लाइफ में कोई और है और आप खुश हैं उस नए इंसान के साथ, उस दूसरे इंसान के साथ। और इसी डर को लेकर के वो अक्सर ये चीज़ भी डिस्कस करते रहते हैं कि यार बहुत ज़रूरी है अब ग्रुप वन की ओर एक्शन लेना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो शायद हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथ से चले जाएं, फिर मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, वो वाली एनर्जी। वो बहुत ही फ्रेंडली ढंग से भी आपको प्रेजेंट करते हैं कि ग्रुप वन सबसे अच्छे से बात करते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं है उनके, लेकिन जितने भी दोस्त हैं उनके ऊपर वो जान छिड़कते हैं, बहुत ब्रेव हैं, कोई भी चीज़ करने से कतराते नहीं है, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा हिम्मती ग्रुप वन है, ये बात भी उन्होंने कन्फेस की हुई है इन लोगों को। और ये भी बता रखा है विद कॉर्नोकोपिया कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ कनेक्शन में आने की। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप में से कई लोगों के लिए ग्रुप वन कि अभी आप दोनों सिर्फ दोस्त हो, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अभी आप दोस्त भी नहीं है, अभी ये आपके किसी दोस्त का दोस्त है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके और नजदीक आना चाहते हैं। और ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, क्या प्लान बनाना चाहिए उनको, किस ढंग से एक्शन लेना चाहिए कि उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, वो तमाम बातें ये करते रहते हैं आपके बारे में। और जैसे कि मैंने बताया था, आपकी बहुत तारीफ करते हैं और बार बार ये वाला पॉइंट भी बोलते रहते हैं कि ग्रुप वन इतने अच्छे हैं, मेरी तो लाइक लाइफ सेट हो जाएगी अगर मुझे उनके साथ सेटल डाउन होने को मिल गया। कुछ एक ऐसी चीज है आपके बारे में जो इनको हद से ज्यादा पसंद है। और इंटरेस्टिंग, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान वैसे स्पिरिचुअल नहीं है, ओके, लेकिन ऑफ लेट इस इंसान ने 11-11 देखना स्टार्ट कर दिया है। और ये क्या होता है ये सब, ये इनको कुछ नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी, एंजल नंबर्स, 11-11, मैनिफेस्टेशन, ये सब उनको नहीं पता। लेकिन हाँ, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है ज़रूर कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं उनको 11-11 दिखता है, उन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है। और इसके बारे में भी वो अपने इन करीबी लोगों से डिस्कस करते रहते हैं, और हो सकता है जानने की कोशिश करते हो बाकी लोगों से कि क्या तुम्हें पता है इसके पीछे कोई मतलब है क्या, या ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस है, वो चीज़ें भी डिस्कस करते रहते हैं। थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज भी इस इंसान को हैं, स्पेशली बिकॉज इन्होंने आपको बिल्कुल इतने ऊंचे स्तर पर बिठा करके रखा हुआ है, जिस वजह से आपके सामने अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। तो इसीलिए भी ये डिस्कस करते रहते हैं अपने इन करीबी लोगों के साथ, स्पेशली विद कॉर्नोकोपिया, जो डर है ना कि अगर मैंने ग्रुप वन को बताया कि मैं उनके और नज़दीक आना चाहता हूँ, या दोस्त बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, या रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, तो वो मान तो जाएंगे ना। वो वाली जो चीज़ नहीं होती है कि जिससे सवाल करना है उससे नहीं कर रहे हैं और चार जगह जाकर के पूछ रहे हैं कि ये तुम बताओ ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो सकता है ना, वो आश्वासन चाह रहे हैं दूसरे लोगों से। इसीलिए भी वो आपके बारे में बहुत बातें करते हैं कि उनके जो करीबी हैं वो बोले हाँ हाँ और क्या, क्यों नहीं मानेंगे, तुम हो ही इतने अच्छे या हो ही इतनी अच्छी, वो क्यों मना करेंगे। तो वो सुन के उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उनका। ओके, चलिए और जान लेते हैं कि ये क्या बातें करते हैं आपके बारे में। गाइज, हो सकता है आप लोगों को भी रिपीटिंग वन बहुत दिख रहा हो, या रिपीटिंग सेवन भी इनफैक्ट आप लोगों को बहुत दिख रहा हो। सिंप्लिसिटी, एक्शन, फिर से इंटरेस्टिंग, दो कार्ड आ गए आपके लिए, गेटवे एंड सॉलिट्यूड। ओके भाई, ये इंसान बड़ी एंजाइटी में आपको लेकर के ग्रुप वन, उनको इसी बात का डर सता रहा है कि अगर वो आपकी ओर एक्शन लेंगे तो वो बैकफायर तो नहीं हो जाएगा उनके ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि इतनी प्लानिंग व्लानिंग करके पहुंचे और घर पे कोई है ही नहीं, वो वाली चीज। वो आपके बारे में एक और चीज बोलते हैं जब वो आपकी तारीफ कर रहे होते हैं कि हालांकि आप इतने पॉपुलर हो, आप इतने गुड लुकिंग हो, हर कोई आपका दोस्त बनना चाहता है, आप खुद इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन बावजूद उसके आप में कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, आप सबसे अच्छे से बात करते हैं, आप कभी भी किसी को घमंड नहीं दिखाते हैं, ईगो नहीं दिखाते हैं, कभी भी किसी को अपने से छोटा प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। और हालांकि
हर किसी ने आपको इतने ऊंचे स्तर पर चढ़ा करके रखा हुआ है, लेकिन अपने आप में आप बहुत ही सिंपल से सुलझे हुए से इंसान हैं, जिनकी बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, और ये क्वालिटी आपके बारे में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस बारे में भी वो काफ़ी हद तक बात करते हैं इन लोगों से। एंड अगेन, क्योंकि एक्शन दूसरी बार निकल के आया है, सो डेफिनेटली कुछ तो डिस्कशन चल रहा है इनका अपने इन लोगों के साथ में, कि इनको कब आपकी ओर एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना चाहिए, फ़ोन करें या मैसेज करें या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए रीच आउट करें, और क्या बात करें, क्या ऐसा लिखें कि आप समझ जाओ ये क्या कहना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं यहाँ पर। एंड जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पिक किया था कि कुछ इनको डर है इस कनेक्शन से संबंधित, जो कि भी वो डिस्कस करते रहते हैं इन करीबी लोगों से, ताकि उनको भरोसा दिलाया जा सके सामने से कि नहीं नहीं तुम्हारे डर बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो या सोच रही हो, वो वाली चीज़। तो एक और चीज़ जो वो डिस्कस करते हैं वो ये है कि अगर मैंने ग्रुप वन की ओर एक्शन लिया और मुझे सामने से ये पता चला कि ग्रुप वन तो मुझ में थोड़े से भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या होगा, मेरी तो बिल्कुल ही फिर मतलब चौप हो जाएगी, कितनी बेइज्जती हो जाएगी, क्या होगा फिर, क्या करूंगी मैं या क्या करूंगा मैं, वो वाला पॉइंट भी अक्सर डिस्कस करते हैं अपने इन करीबी लोगों के साथ में। और उसका रीज़न ये है ग्रुप वन, कि या तो आपने कभी भी सामने से खुद इस इंसान से बात नहीं की है, स्पेशली अगर ये आपके कोई नॉर्मल मतलब अभी तक तो नॉर्मल दोस्त हैं या फिर किसी दोस्त के दोस्त हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है, अगर ये दोस्ती से कुछ ज्यादा भी है, तो भी यहाँ पर सॉलिट्यूड मुझे बता रहा है कि आजकल तो आपकी बातचीत बिल्कुल आपने खत्म की हुई है इस इंसान से, आप बिल्कुल जरूरत भर की या तो बात करते हैं इनसे या वो भी आपने बंद किया हुआ है, तो बेसिकली आपकी ओर से कोई एक्शन आ नहीं रहा है, और इसीलिए थोड़ी हिचकिचाहट इनकी एनर्जीज में यहाँ पर दिख रही है कि यार सामने वाला बंदा तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि अगर मैंने अपनी तरफ से पहल की तो वो पलट करके मुझसे बात करेंगे। तो ये बातों पर बहुत स्ट्रांगली आजकल डिस्कशन इनके ग्रुप में चल रहा है आपको लेकर के। ओके, और पता कर लिया जाए और क्या बातें करते हैं ये आपके बारे में। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप वन्स पर्सन टेल अस अबाउट देम। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। Wow, harmony. What is group one's person telling others about this? Recognition and reward. ये इंसान कुछ भी कर सकता है अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए आपकी आंखों में। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं ग्रुप वन, इससे इनको बहुत बहुत फर्क पड़ता है। एंड लाइक ये बात मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, बिकॉज रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर ये तो मुझे दिख ही गया था स्टार्टिंग में कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और काफ़ी लाइक आई सेड आपकी अपनी आंखों में इन्होंने आपको बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, लेकिन आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनको पलट करके उतनी रिस्पेक्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर भी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा लगा रहता है, और वो बात करते हैं अपने इन करीबी लोगों से इस बारे में। अगर इन्होंने आपको कभी ये चीज़ नहीं बोली है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आई डोंट थिंक बोला है, लेकिन ये जो इनके करीबी लोग हैं उनको उन्होंने ये बात बता रखी है कि मैं ग्रुप वन से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड बता रहे कि अपने हाले दिल इन्होंने आपको नहीं बताया है, लेकिन ये और जो लोग इनकी ज़िंदगी में इनके ख़ास लोग हैं, दोस्त भाई बहन ये सब, उनको इन्होंने क्लियर कर रखा है कि ग्रुप वन वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, और जिसके साथ मुझे रहने का मन करता है, जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप में आना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस हो, या तो आप दोनों इस वक्त अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑल टुगेदर अलग अलग देशों में इस वक्त आप लोग रह रहे हो। तो वो ये भी डिस्कशन करते रहते हैं अपने इन प्रियजनों से कि यार ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस फिजिकल डिस्टेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम हमारे बीच में आ जाए। पता चला कि मैंने सब प्रपोज वपोज कर दिया, सब कुछ अच्छा हुआ, मुझे ये भी पता चल गया कि ग्रुप वन भी मुझे लाइक करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये कनेक्शन कभी ढंग से उठ ही नहीं पाया तो क्या होगा। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान ना ऑनेस्टली ग्रुप वन आप लोगों के कनेक्शन से संबंधित दो इश्यूज पकड़ करके सबसे ज्यादा चल रहे हैं आजकल,
इन टर्म्स ऑफ कि वो आपके बारे में क्या बात करते हैं. पहला है कि क्या करना चाहिए उन्हें, क्या करना सही रहेगा, और दूसरा है ये जो भी इनके इतने छोटे बड़े डर लगे हुए हैं आपसे संबंधित और इस कनेक्शन से संबंधित. इनफैक्ट एक और चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो प्यार ये आपसे करते हैं वो इनकी आंखों में दिखता है. हो सकता है आपको भी दिखता हो, लेकिन क्योंकि इन्होंने कभी अपने मुंह से बोला नहीं है इसलिए मे बी आपको लगता हो यार कि हो सकता है मैं इमेजिन कर रही हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ. बट ये जो भी लोग हैं जिनसे आपके पर्सन बात करते हैं, उन्होंने भी ये चीज नोटिस की है कि जब ये आपके बारे में बात करते हैं एकदम से बहुत ज्यादा चहकने लगते हैं, आंखों में खूब वो प्यारा सा स्पार्कल आ जाता है, रोशनी आ जाती है अलग ही किस्म की, और खूब उत्साह के साथ ये आपकी बातें करते हैं. और एक बार बात करना चालू हो जाए तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर रुकते नहीं है जब तक कि वो लोग कोई दूसरा टॉपिक ना छेड़ दें. अगर ये इंसान आपके ऊपर चालू हो गए बात करना तो भाई बस फिर इनको चुप कर आना बहुत मुश्किल है. अच्छा, मजेदार बात यहाँ पर ये है कि जितनी बातें ये आपके बारे में करते हैं ग्रुप वन, उतनी बातें इन्होंने आपसे नहीं की है. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग. आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी बातें मुझसे कर लेते तो आज हमारा कनेक्शन कहाँ का कहाँ होता, राइट? लेकिन इतनी देर में आपने भी नोटिस किया होगा कि उसके पीछे की वजह है, और वजह ये है कि जब हमारे लिए कोई इतना खास होता है या जब इतनी अच्छी इमेज हमारी नजरों में किसी की बनी होती है तो एक घबराहट अंदर आना दिल के नेचुरल है. क्योंकि कोई इंसान मुझे इस हद तक पसंद है, कोई इंसान मुझे इस हद तक अपनी लाइफ में चाहिए कि फिर वो हर चीज का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं या ऐसा ना कर दूं कि वो बिदक जाए या दूर चले जाए या नाराज हो जाए या हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ से आउट ना हो जाए. मेरी मतलब आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ. तो इन्हीं सब चक्करों की वजह से अभी तक कम्युनिकेशन आपके साथ थोड़ा ऐवे ही सा चल रहा है, लेकिन हाँ आपके बारे में इतना मुझे क्लियर हो गया है कि ये इंसान खूब बात करते हैं, बहुत बातें करते हैं आपके बारे में. एंड स्पेशली अगर ये आपकी कम्युनिटी का ही कोई पार्ट है, लाइक आई सेड कि आप ही के साथ पढ़ने वाला या साथ काम करने वाला या कोई ऐसा जिसके साथ आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, या ये कोई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, या ये आपके किसी कजिन के दोस्त हैं, जो कुछ भी आपके सर्कल का पार्ट है बेसिकली, तो ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया आपको कि ये आपके बारे में बहुत बातें करते हैं रहते हैं, ये चीज आपको पहले भी सुनने को मिली है. ये चीज आपको और लोगों ने भी आकर के बोली है कि ग्रुप वन तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बात कर रही थी, या वो तुम्हारे बारे में बहुत बात कर रहा था या पूछ रहा था, वो वाली चीजें, वो एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है. आपको ऐसे उड़ती उड़ती खबर आती है कि आपके बारे में यहाँ बात हो रही है, ये बात हो रही है, ये बात कर रहा है, वो चीज. तो पॉपुलर तो आप डेफिनेटली हैं ग्रुप वन. और सिर्फ यही नहीं है जो आपके बारे में बात करते हैं, बहुत लोग आपके बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन हाँ एक रोमांटिक सेंस में इस वक्त तो यही इंसान आपके बारे में बात कर रहे हैं. और मुझे एक्चुअली बहुत एक क्यूट सी एनर्जी भी इस इंसान से मिल रही है. ये इतना ज्यादा लाइक करते हैं आपको, इतना इस हद तक आपको पसंद करते हैं कि बेचारे इतना विचार विमर्श कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं कि वो पट जाए, वो मान जाए, वो मुझसे बात कर ले, वो सारी चीजें. क्यों? क्योंकि एंड गोल यहाँ पर रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड के साथ बहुत क्लियर है कि ग्रुप वन ने जिस तरीके से मेरा दिल जीता है, मैं भी ग्रुप वन का वैसे ही दिल जीतना चाहता हूँ या जीतना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और ये हो पाएगा ना, वो वाली चीज उनके उसमें निकल कर के आ रही है कि इन्हीं बातों पर अक्सर वो ज्यादा बात करते हैं. अगर आप लोग अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप लोग साथ में अगर पढ़ा करते थे और आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो आज तक आपने बेसिकली लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है, जो आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं, उनके बारे में भी ये बहुत डिस्कस करते हैं इन लोगों के साथ कि तुम्हें पता है उन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था, उसमें जीते थे, इसमें जीते थे, आज यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई की थी, ये पढ़ाई की थी, ये टॉप मारा था, वो सारी तारीफें भी आपकी ये करते रहते हैं. ओके, आप टैरो कार्ड्स भी देख लिए जाएं. Spirit, what is group one's person doing? Five of wands. What is group one's person doing? Nine of swords. What is group one's person doing? Seven of wands. Okay. So,
मेन सबसे पहला मैसेज जो मैंने पिक किया, अगर आप लोगों के बीच में हाल ही में या थोड़े वक्त पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था ग्रुप वन, तो उसके बारे में भी ये बात करते हैं अपने इन करीबी लोगों से, बताते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इन्होंने क्या बोला, आपने क्या बोला, उस लड़ाई को डिस्कस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि उस लड़ाई की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अब आपने हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया हो इनसे। तो ये इस बात के ऊपर बात करते हैं कि यार हम लोग के बीच में वो लड़ाई हो गई थी और फिर मामला कभी सॉर्ट आउट हुआ नहीं था, तो अब मुझे बस यही डर लगा हुआ है कि अगर मैंने दोबारा ग्रुप वन से बात करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी तक मुझसे चिढ़े बैठे हों उस चीज़ को लेकर के, उस लड़ाई को लेकर के, और वो मुझसे बात ही ना करें तो फिर क्या होगा। तो इस पॉइंट पर भी काफ़ी बात होती है। दूसरी चीज़, क्योंकि इनको पता है कि आपको थोड़ी गुस्से की प्रॉब्लम है, तो इस बात के ऊपर भी वो डिस्कस करते हैं अपने इन करीबी लोगों से कि मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ग्रुप वन मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनको जैसे ही बताऊं कि मैं उनको लाइक करती हूं या लाइक करता हूं, वो बिल्कुल भड़क जाएं, गुस्सा हो जाएं, चिढ़ जाएं, या पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचें और कुछ हमारे बीच में कहा सुनी ना हो जाए, तो क्या होगा। तो फिर मैं कैसे उनको यकीन दिलाऊंगा कि मेरे इरादे उनको लेकर के अच्छे और मैं जेन्युइनली उनसे बहुत प्यार करती हूं या प्यार करता हूं। आपकी अटेंशन और लोगों को भी चाहिए है, ये बात भी उनको मालूम है। तो वो जो कंपटीशन लगा हुआ है कि ग्रुप वन अल्टीमेटली किसको हाँ बोलेंगे, आपको भाई मैं बता रही हूँ ग्रुप वन, आपको पता नहीं आप कितनी डिमांड में हो, तो उस चीज़ को लेकर के भी डिस्कशन ये करते रहते हैं अपने इन करीबी लोगों के साथ में कि यार मुझे तो लगा था कि रेस में मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, यहाँ तो मुझे आए दिन पता लग रहा है कि इनको भी ग्रुप वन पसंद है, इनको भी ग्रुप वन पसंद है, वो तो ग्रुप वन के घर के बगल में ही रहते हैं, वो तो ग्रुप वन के साथ ही काम करते हैं, वो लोग तो उनके इतने पास हैं, मैं यहाँ दूर बैठे हुए क्या कर लूँगा या क्या कर लूँगी। तो भैया बहुत टेंशन इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर के, और वही तमाम डिस्कशन ये अपने इन करीबी लोगों के साथ करते हैं। और एक और पॉइंट जो ये डिस्कस करते हैं वो ये है कि हालांकि इनके दिल में इतनी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के और इनका मन इतना खुश हो जाता है आपके बारे में सोच करके, आपके बारे में बातें करके, लेकिन उन्होंने बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ डिस्कस की है अपने करीबी लोगों के साथ कि इतना आसान नहीं होगा आपके दिल में अपने लिए जगह बनाना या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आना या फिर आपको बताना कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। और इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो आप दोनों के बीच में कभी इतनी बात ही नहीं हुई है, या फिर लाइक आई सेड कि उनको अभी क्लैरिटी नहीं है कि आपके साइड पे फीलिंग्स क्या हैं बिकॉज आप उनकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो जो भी उनके तमाम डर हैं फिलहाल ये उन्होंने स्वीकारा हुआ है अपने इन करीबी लोगों के सामने कि हम लोग यहाँ पर बैठ के इतनी बातें तो कर रहे हैं ग्रुप वन की, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि जितना ईजी मुझे लग रहा है उतना शायद ना हो, या फिर जितना टाइम मुझे लग रहा है कि लग सकता है इन सारी चीज़ों में, हो सकता है उससे ज़्यादा ही वक्त लग जाए सब कुछ सॉर्ट आउट होते होते। ओके, इस इंसान के चार्ट में या फिर आपके चार्ट में एरीज, लियो, सैज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो सकते हैं। रिपीटिंग 8 भी हो सकता है आप लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। एंड ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर इस इंसान की ओर से कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है। ओके ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने ये पर्पल शेल चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन को बोला जाता है आपके बारे में कुछ बताने के लिए, आपको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं आपको। किंग फिशर, बी पेशेंट एंड फोकस्ड। ऑलराइट, तो वो अपने करीबी लोगों को बताते हैं कि आप उन किस्म के लोगों में से हैं जिसे कोई मतलब
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आजू बाजू की दुनिया में क्या हो रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लो प्रोफाइल रखने वाले इंसान हैं, आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, आपके लिए सिर्फ आपकी जो दुनिया है, मतलब आपके घर वाले हो गए, भाई बहन हो गए, आपके दोस्त, यही सब लोग आपके लिए सिर्फ मायने रखते हैं। बाकी उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी कहाँ नौकरी लगी, कौन कहाँ पढ़ने गया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आपके अंदर जिसकी बात इन्होंने अक्सर कर रखी है अपने करीबी लोगों से, और ये करीबी लोग इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके साथ काम करने वाले, साथ पढ़ने वाले, इनके भाई बहन, घर वाले, कोई भी हो सकता है। खैर, तो इन्होंने बता रखा है कि आप एकदम से ब्लैंक हो गया था। ये बताया हुआ है कि आप कंपटीशन में यकीन नहीं रखते हैं। ग्रुप टू आपके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन आपका आप खुद हैं, आप किसी और के साथ रेस में नहीं लगे हुए हैं, आप सिर्फ अपने आप को बीट करने की कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा मैंने ऐसा किया था तो अब मुझे इससे भी बेहतर करके दिखाना है। उस तरीके से आप खुद ही को चैलेंज करते रहते हैं, खुद ही को चुनौतियां देते रहते हैं। आप बहुत ही ठंडे दिमाग के इंसान हैं, बहुत पेशेंस है आपके अंदर, आप इजीली गुस्सा नहीं करते हैं, इजीली कोई आपको ट्रिगर नहीं कर सकता है, कोई आपको भड़का नहीं सकता है, कोई आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी नहीं रखता है। आप सिर्फ वही करते हैं जो आपको ठीक लगता है, और तभी करते हैं जब आपका मन करता है, आपकी मर्जी के खिलाफ और आपके मूड से पहले आपसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। तो आप अपने मालिक खुद हैं, तो ये बात इन्होंने बता रखी है अपने करीबी लोगों को आपके बारे में। आपके जो फेशियल फीचर्स हैं, आपके जो नए नक्श हैं, उनकी भी इन्होंने बड़ी तारीफ कर रखी है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। बट आप में से जो लोग स्विमिंग में अच्छे हैं और कभी इकट्ठे आप लोग स्विमिंग गए हैं या मे बी साथ में सीखी हो या ऐसा कुछ, तो आप कितने अच्छे तैराक हैं इस बात की भी इन्होंने तारीफ की है। अगर कभी आपने किसी को डूबने से बचाया था, अगेन बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, अगर कभी आपने किसी को डूबने से बचाया था, उस इंसिडेंट के बारे में भी ये बहुत बात करते हैं अपने करीबी लोगों से। ओके, अब जान लेते हैं कि ये तो चलो हो गया कि ये आपको डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। अब बात क्या करते हैं ये अपने करीबी लोगों से आपके बारे में, वो जरा जान लिया जाए। स्पिरिट, व्हाट इज क्रिप्टोस पर्सन टेलिंग अस अबाउट देम? अप्रिसिएशन, व्हाट इज क्रिप्टोस पर्सन टेलिंग अस अबाउट देम? केयरिंग कनेक्शंस, व्हाट इज क्रिप्टोस पर्सन टेलिंग अस अबाउट देम? एंड यिन यांग, वाओ। सो ग्रुप टू, इस इंसान ने अपने करीबी लोगों को बता रखा है कि उनका ऐसा मानना है कि आप उनके परफेक्ट मैच हो, कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। अब डिवाइन काउंटर पार्ट इन शब्दों का इस्तेमाल भले ही ना किया हो आपके पर्सन ने, मे बी उनको ना पता हो ये सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ ये तो बता रखा है, ये अक्सर बोला करते हैं कि ये आपको अपने बेटर हाफ के रूप में देखते हैं, और आप दोनों की पटरी बहुत अच्छी खाती है, आप दोनों की जमती बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे से भले ही बहुत अलग हों लेकिन जब आप साथ होते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को समझ बहुत अच्छे से ले जाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी वो काफी चर्चा करते रहते हैं कि कैसे आप उन कुछ लोगों में से हैं जो कि उनमें अच्छाइयां ढूंढते हैं, और सिर्फ उनमें ही नहीं, इन जनरल आप उस किस्म के लोग हैं जो कि दूसरों में बजाय बुराइयां ढूंढने के अच्छाइयां पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से थोड़ा दूर रह रहे हैं, या कम्युनिकेशन थोड़ा ठंडा सा चल रहा है, या बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो वो ये भी बता रहे हैं अपने करीबी लोगों को कि उनको बहुत फिक्र हो रही है आजकल आपकी, कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये चीज भले ही वो स्पिरिचुअल ना हो, स्पिरिचुअलिटी में यकीन ना रखते हो, लेकिन ये बात भी उन्होंने अपने करीबी लोगों से कर रखी है कि आपके जैसा कनेक्शन उन्होंने पहले कभी भी किसी के साथ महसूस नहीं किया है। हो सकता है आपसे पहले भी इनके पार्टनर्स रहे हो, और हो सकता है आपके बाद भी ये दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, बट जो केमिस्ट्री, जो अट्रैक्शन, जो इमोशंस इन्होंने, और जो चिंता, जो फिक्र इन्होंने आपके लिए महसूस की है और आज की डेट तक कर रहे हैं, वैसा कभी भी ना तो इन्होंने पहले किसी के लिए महसूस किया है, ना ही अब इनके दिल में आपकी जगह कोई और ले पाया है।
एक और चीज है जो वो यहाँ पर मेंशन करते हैं अपने करीबी लोगों को, जो कि शायद उन्होंने आपसे ना बोल रखी हो, और वो है एक एक अफसोस, एक गलती. और गलती ये है कि ये जो बातें इन्होंने आपके बारे में अभी कर रहे हैं दूसरे लोगों से, इनका एहसास इनको पहले नहीं हो पाया था. इनफैक्ट इन्होंने ये चीज़ खुद कबूली है अपने इन करीबी लोगों को कि यार जब मैं ग्रुप टू के साथ था या साथ थी, जब हम ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते थे, जब हमारी ज़्यादा बातें होती थी, तब मुझे नहीं समझ में आया कि यही इंसान मेरे लिए बना है या कितनी अच्छी ट्यूनिंग हमारे बीच में है. और अब मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट होता है कि इतना देर से क्यों चमका मुझे ये सब कुछ. आपके जो लुक्स हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस स्पेशली. आपको पता है कि आपको क्या पहनना है जिसमें आप अच्छे दिखो. ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ भी उठा करके पहन लिया. और ज़रूरी नहीं है कि आप आजकल के लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स ही फॉलो करते हो, लेकिन हाँ, जैसे होता है कुछ लोगों की ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है, तो आप उस किस्म के लोगों में से हैं ग्रुप टू, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है और उसके बारे में भी ये अक्सर बात करते रहते हैं. ये एक रिग्रेट शो करते हैं अपनी कॉन्वर्जेशंस में इन करीबी लोगों के साथ कि जब मेरे पास वक्त था, जब ग्रुप टू मेरे पास थे, उस वक्त मैंने उनकी कदर नहीं की, और अब जब वो मेरे साथ नहीं है, अब जब उनका ध्यान ही मेरे ऊपर से बिल्कुल हटा हुआ है, अब जा करके अफसोस मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं. बिकॉज होता है कई बार जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसकी अहमियत समझ में नहीं आती, जब वो हमसे छिन जाती है तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है. जो इनके बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग हैं, उनको उन्होंने ये तक बताया हुआ है कि वो आपके साथ जो आप लोगों की फिजिकल इंटिमेसी थी, जो फिजिकल मोमेंट्स आप लोग ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, उसको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. आपको हग करना, किस करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें वो बहुत मिस करते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या बात करते हैं ये आपसे संबंधित. स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप टू इस पर्सन के लिए आपसे बात करें. एडवेंचर्स, व्हाट इज ग्रुप टू इस पर्सन के लिए आपसे बात करें. स्पिरिट, रिलैक्सेशन, व्हाट इज ग्रुप टू इस पर्सन के लिए आपसे बात करें. न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, ओके, ग्रुप टू. जब आप दोनों साथ में थे, उस वक्त ये इंसान को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिया था, बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट फोबिया था. इनका ये था कि मैं अभी इतनी जल्दी कैसे किसी एक ही इंसान को इतना बड़ा कमिटमेंट दे दूँ, अगर वो वाला इनसे बेटर निकला तो, या वो वाला इनसे बेटर निकला तो फिर क्या होगा, मैं बाद में रिग्रेट करूँगी या बाद में रिग्रेट करूँगा. तो बड़े ही मतलब ऐसे ना खिलाड़ी किस्म के हुआ करते थे ये एक ज़माने में, और वो ज़माना वो था जब आप दोनों साथ में थे. अफसोस की बात तो सारी यही है. और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, जैसे कि इन्होंने खुद भी आपके बारे में बता रखा है दूसरों को, कि आपका ध्यान एक वक्त पर एक ही इंसान के ऊपर होता है. आपके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है कि 10 लोगों से बात कर रहे हैं, 10 लोगों को टहला रहे हैं, 10 लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा लगा फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे. आप उस तरीके के नहीं है. आप एक वक्त पर एक ही इंसान को अपने सारे इमोशंस और सारा टाइम और सारा अफेक्शन देते हैं, और ये चीज आपने पास्ट में इनके साथ की थी. जब आप दोनों साथ में थे, आपका सारा ध्यान, सारा प्यार, सब कुछ सिर्फ इन्हीं के लिए था. लेकिन अफसोस, ये जो इंसान है, ये तब आपकी कदर नहीं कर पाए थे, जैसे कि खुद ये अब कबूलते हैं अपने इन सारे करीबी लोगों को. और ये कह रहे हैं यहां पर कि अब ये अपने उस प्लेयर वाले जोन से बाहर आना चाह रहे हैं. अब ये सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करना चाह रहे हैं, एक ही इंसान के साथ रहना चाह रहे हैं, अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते की खातिर, आपके खातिर, इस कनेक्शन की खातिर. बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिकॉज जैसे यिन यांग ने यहाँ पर बताया है, इनको इतना तो समझ में आ गया है कि आप ही इनके डिवाइन पार्टनर हो, इसीलिए ये आपको दोबारा खोने की गलती नहीं करना चाहते हैं. और अपने आप को भी बदलना चाहते हैं, बिकॉज इनको मालूम है कि अगर ये इन्हीं प्लेयर एनर्जीज में आपकी लाइफ में दोबारा आए तो आप हरगिज भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे.
और ये चीज़ उन्होंने अपने करीबी लोगों से डिस्कस भी की हुई है कि तुम लोग बड़ा मेरे को सर पे चढ़ाते रहते थे कि ओहो आज इसके साथ कल उसके साथ, तुम्हारे तो भाई बड़े जलवे हैं, लेकिन इन्हीं झूठे जलवों के चक्कर में मेरे हाथ से सच्चा प्यार निकल गया था और मुझे ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ या बदलना चाहता हूँ। अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ, और बहुत ही सुकून चाहिए उनको, शांति चाहिए, और उनको पता है कि जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का कंफर्ट आप उनको दे सकते हैं, वैसा और कोई इंसान और कोई दूसरा कनेक्शन उनको नहीं दे सकता है। प्लस ये भी मानी हुई बात है कि जब आप प्लेयर टाइप की एनर्जी में होते हो, आज उसके साथ कल उसके साथ, तो कोई स्थिरता तो होती नहीं है, कोई स्टेबिलिटी तो होती नहीं है, और इमोशंस भी बस सतह तक के ही होते हैं। तो वो सारी एनर्जीज भी इनको नहीं चाहिए। इनको मालूम है और उन्होंने ये बात अपने करीबी लोगों से कर भी रखी है कि ग्रुप टू के साथ जब मैं हुआ करता था या हुआ करती थी, तब जिस किस्म का शांति मैंने महसूस की है कि हाँ ये मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो बात दोबारा कभी मुझे महसूस करने को नहीं मिली, और मुझे वो फीलिंग फिर से चाहिए, वो फीलिंग कि हाँ ये एक वो इंसान है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो चीज़ मुझे फिर से एक्सपीरियंस करनी है। और आपके साथ इस कनेक्शन की नई शुरुआत कैसे की जाए, क्या करना चाहिए उसके लिए, ये आपको छेड़ना नहीं चाहते, ये कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं जिससे कि आप अपसेट हो, बिकॉज पास्ट में शायद वे ऑलरेडी आपको बहुत रुला चुके हैं, इसीलिए अभी दोबारा आपको रुलाना नहीं चाहते, दोबारा आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। तो जितना शांतिपूर्ण तरीके से इस कनेक्शन की नई शुरुआत की जा सके, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि ये नई बिगिनिंग हो सके आप दोनों के बीच में, वो तमाम बातें भी ये करते रहते हैं। और इनके काफ़ी दोस्त हैं, जितने कम दोस्त आपके हैं उतनी ज़्यादा दोस्त इस इंसान के हैं। तो हाँ, अब ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि सारे ही इनके करीबी हों, बट हाँ इनका फ्रेंड सर्कल आपके फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा बड़ा है। तो कई ऐसे इनके ट्रस्टेड कुछ लोग हैं जिनसे कि ये बातचीत करते रहते हैं आपके बारे में, और टिप्स और ट्रिक्स लेते रहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बिकॉज ये आपकी आपके लिए इतनी फीलिंग्स रखते हैं, आप इतना मायने रखते हैं इनके लिए कि ये आपको जानबूझ करके अब दोबारा दुख नहीं देना चाहते, और जो पहले दुख दिए थे उसके लिए शर्मिंदा हैं, वो बात भी ये करते हैं इन लोगों से। भला ही आपको कभी सॉरी ना बोला हूँ मुंह पर, लेकिन जो गिल्ट है वो बाकी लोगों से डिस्कस कर रखी है इन्होंने। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। होप पेशेंस एंड प्लानिंग और शैडो। हो सकता है आप लोगों को रिपीटिंग सेवन्स आजकल बहुत ज्यादा दिख रहे हो इन एडिशन टू रिपीटिंग टूज। ओके, सो ग्रुप टू, उन्होंने बता रखा है अपने करीबी लोगों को कि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, और ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और इसीलिए गुंजाइश है कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है। बट बावजूद इसके ऑफ कोर्स कुछ डर हैं उनके जहन में, वो डर उन्होंने आपके सामने कभी नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन अपने करीबी लोगों से ये तमाम डर वो डिस्कस करते रहते हैं आपसे संबंधित, इस कनेक्शन से संबंधित। और सबसे बड़ा डर यही है कि अब जब मुझे मालूम है कि कौन मेरे लिए बना है, किसके साथ मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान मुझे अब दोबारा मिल ही ना पाए, उसके साथ मुझे एक सेकेंड चांस मिल ही ना पाए। सबसे बड़ा फियर आपके पर्सन का यही है कि कहीं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए ना खो दें, और इस डर को वो अक्सर डिस्कस करते रहते हैं अपने इन करीबी लोगों के साथ। एंड दूसरी चीज़, आपका अभी क्या पोजीशन है इनको लेकर के, आपकी क्या थॉट्स हैं इनको लेकर के, आपके क्या फीलिंग्स हैं, क्या आप भी इनको सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, कुछ आइडिया नहीं है इनको, दूर दूर तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। शैडो मुझे बता रहे हैं कि या तो आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही कम एक्टिव हो, या आप लोग शायद सोशल मीडिया पर हो ही नहीं, इनके पास कोई जरिया नहीं है पता करने का कि आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा कम हो, और अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है भी तो वो सिर्फ नाम के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, एज सच इस इंसान की उन लोगों से कोई खास बातचीत होती नहीं है।
तो आप सिंगल हैं कि नहीं हैं, आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं हैं, क्या आप भी नई शुरुआत चाहते हैं कनेक्शन की या नहीं चाहते हैं, कुछ उनको नहीं पता है। वो चाहें तो ऑफकोर्स अभी तुरंत आपसे फ़ोन करके या मैसेज करके ये सारी चीज़ें खुद पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो झिझक यहाँ पर है, और झिझक इसीलिए उठ रही है अपने खुद ही के पास्ट की हरकतों की वजह से, कि पास्ट में जब एक इंसान ने अपना पूरा ध्यान आपके ऊपर लगाया हुआ था, तब आपका ध्यान भटक रहा था इधर उधर और लोगों में, है ना। तो उस वो जो गिल्ट है इनकी, वो गिल्ट अब हेजिटेशन में परिवर्तित होकर के उस वजह से ये जैसा आप शायद चाह रहे हो कि आपको कांटेक्ट करें, तो उसमें जो डिले हो रहा है वो इसी रीजन से हो रहा है, शर्मिंदगी। जब हम शर्मिंदा होते हैं तो हम मुंह छुपाते फिरते हैं अपना, वो वाली चीज आप समझ लो इनकी एनर्जीज में है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपसे सॉरी नहीं बोला है, लेकिन वो सॉरी है, गिल्टी फील कर रहे हैं, ये बात इन्होंने अपने करीबी लोगों के साथ में डिस्कस की हुई है। आपके बारे में इनको बहुत सपने आते हैं, ये चीज़ भी इन्होंने अपने करीबी लोगों को बताई है, कि दिन दिन भर भले ही वो काम में कितना भी बिजी क्यों ना हो, रात को जब सोते हैं तो सपने में आप जरूर आते हैं। और इन्हीं सब कुछ चीज़ों की वजह से उनको दिल में ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर वो समझदारी से और सब्र के साथ इस कनेक्शन में चीज़ें करेंगे, कुछ पहल करेंगे या आपकी ओर एक्शन लेंगे, तो शायद वो आपको मना पाए। बिकॉज आपको पहले मनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप इनसे अभी या तो आप रूठे बैठे हैं, और अगर रूठे हुए नहीं भी हैं, हो सकता है आपने बहुत पहले इनको माफ़ कर दिया हो, अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर गए हो, आपने अपने दिल में कोई बैर इनके लिए ना रखा हुआ हो, लेकिन जिसने आपके साथ गलत किया था वो तो यही चाहेगा ना कि पहले पिछला वाला स्लेट पूरा क्लीन हो जाए। तो बस क्योंकि इनकी ये इच्छा है, इसीलिए ये चीज़ वो डिस्कस करते रहते हैं अपने करीबी लोगों के साथ, कि आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या हुआ था उस चीज़ का डिस्कशन करना है। वर्ड्स नहीं मिलते हैं इनको, आपसे क्या बोलें। दोस्तों के सामने तो बहुत जबान चलती है आपको लेकर के, लेकिन जब एक्चुअल में आपसे बात करने की बारी आती है तो बस बिल्कुल अपने बिल के अंदर जा कर के छुप जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोलें आपको। मैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं वो एक चीज़ है, लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे एक्सप्रेस करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, वो उनको नहीं समझ में आता है। एंड ये बात शायद आपने भी नोटिस की होगी कि जब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ करता था, जब आप लोग चैटिंग वगैरह किया करते थे, तो आप जितने बढ़िया ढंग से खुद को एक्सप्रेस कर ले जाते थे चैटिंग में भी, ये नहीं कर पाते थे। और अगर आप लोग फोन पे बातें किया करते थे तो ज्यादा बात आप किया करते थे, ये सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं है। फीलिंग्स इनके दिल में है आपके लिए, ये चीज उन्होंने बता रखी है अपने करीबी लोगों को भी, कि मुझे अपना फ्यूचर ग्रुप टू के साथ दिखता है, लेकिन समस्या आके खड़ी हो जाती है कि ग्रुप टू को कैसे बताएं ये चीज। हो सकता है ये कनेक्शन एक क्रश से शुरू हुआ हो, कि इनको आपके ऊपर क्रश हुआ करता था और फिर धीरे धीरे प्यार व्यार सब हुआ। और मैं आपको ये यहां पर बता दूं कि जब से ये आपके आप इनके लाइफ में आए हैं ग्रुप टू, और जब से इन्होंने आपको देखा था, आपसे मिले थे, और जब से इनको आपके ऊपर क्रश हुआ था, तब से ये इंसान आपके बारे में बात करते हैं अपने करीबी लोगों से। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके बारे में बात करना सिर्फ इस सेपरेशन के बाद चालू किया है, या सिर्फ लड़ाई झगड़े के बाद चालू किया है, नहीं। जब से इन्होंने आपको नोटिस किया है, जब से इनको आपके ऊपर क्रश हुआ था, हो सकता है कई साल हो गए हों इस बात को, आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में आए हुए, तब से ही आपके बारे में बात करते रहते हैं। और वो ये भी डिस्कस करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत और भी सारे लोग हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी बता रखी है अपने करीबी लोगों को कि आप इजिली किसी को भाव देते नहीं हो, आप इजिली किसी को ऐसे घास नहीं डालते हो। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। पाइसीज, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस आपके या इनके चार्ट में हो सकता है मौजूद हो। The Wheel of Fortune.
और जस्टिस. सो डेफिनेटली इन्होंने कुछ गलत आपके साथ पास्ट में किया था, और मेरा जहां तक मानना है वो गलत यही था कि आप तो बिल्कुल लॉयल थे इनके प्रति, लेकिन इन्होंने आपके साथ लॉयल्टी नहीं की थी, ये लॉयल नहीं थे आपको लेकर के, और उसी गलत को ये सही करना चाह रहे हैं. कैसे करना चाहिए, कौन सा सही समय होगा आपकी ओर एक्शन लेने का, उन बातों पर ये डिस्कशन करते रहते हैं. और गिल्ट इसीलिए है बिकॉज आपने कभी इनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, वो इन्होंने किया था आपके साथ. अपनी गिल्ट में धंसा चला जा रहा है ये इंसान, और बहुत बहुत ही अफसोस के साथ बात करते हैं आपके बारे में. जैसे ग्रुप वन की जो एनर्जी थी, ग्रुप वन वाला पर्सन बहुत ज्यादा चहक चहक कर बात करता था, बट आपके जो पर्सन है वो बहुत अफसोस की वाली एनर्जी में, बहुत ही हैवी एनर्जी में आपके बारे में बात करते हैं. इनफैक्ट वो ये कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं और आप उनसे लाख गुना बेटर इंसान डिजर्व करते हो, लेकिन क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस चीज के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर. एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून और न्यू बिगिनिंग, वो ये चीज पूछते रहते हैं अपने करीबी लोगों के साथ में कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए है कि आपको बिना ठेस पहुंचे हुए इस कनेक्शन की वो एक नई शुरुआत भी कर पाएं, और जो गलत उन्होंने आपके साथ किया था उसको सही भी कर पाएं. माफी कैसे मांगे. सन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि थोड़ा प्राइड एलिमेंट है आपके पर्सन में, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम उनको है, मतलब इतनी आसानी से वो अपनी गलती स्वीकारते नहीं है और इतनी आसानी से किसी को सॉरी भी नहीं बोलते हैं. लेकिन अब इतना समझ में आ गया कि भैया अगर अभी भी अपनी ईगो में बैठे रहे तो चले जाएंगे ग्रुप टू हाथ से. एंड जैसे कि यहां पर हमने देखा ही है कि वो ये चीज नहीं होने देना चाहते हैं, तो इसीलिए वो अपने इन करीबी लोगों से मदद ले रहे हैं. और ये जो भी लोग हैं जिनसे आपके बारे में बातें करते हैं, वो लोग भी इनको खूब आश्वासन देते रहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है तो आई एम श्योर ग्रुप टू को भी ऐसा ही लगता होगा, सिर्फ तुम्हें ऐसा नहीं लगता होगा. अरे इतना टाइम हो गया अब तक, तो उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया होगा, तुम क्यों डर रहे हो कि वो अभी भी तुमसे नाराज बैठे होंगे, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर. और आप में से कुछ लोगों के लिए, और ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है, जब से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हैं या फिर जब जब आप दोनों एक साथ होते हैं, तब तब आप दोनों की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है. आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं, और जिस तरीके से आपने ऐसे कुछ एपिसोड्स नोटिस किए हैं कि यार जब मैं इनसे बात करके उठी तो कुछ बड़ा अच्छा हो गया, या जब से मेरी लाइफ में आए कुछ बड़ा अच्छा हो गया, यही चीज़ें इन्होंने भी नोटिस की हैं. तो ये बात भी वो अपने करीबी लोगों से करते हैं कि यही ग्रुप टू, यही मेरी लेडी लक है, या उस तरीके से कि ये बहुत लकी है मेरे लिए, इनके लाइफ में आने के बाद से, इनके मेरी लाइफ में आने के बाद से मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, और कैसे मैं ये सब तब नहीं देख पाया या नहीं देख पाई. इनका इस पर्सन का तो गिल्ट डेफिनेटली इनको खाया जा रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा. और बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि ये इंसान अब आपसे सीधी साफ बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके पॉइंट पर नहीं आना चाहते हैं. बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कुछ भी अब ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि आप रो, जिससे कि आपको ठेस पहुंचे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ठेस आपको पहुंचा चुके हैं और ये बात उनको मालूम है. तो अब अपनी गलती सुधारने के उसमें लगे हुए हैं, तो इसीलिए अपने करीबी लोगों से वो ये भी पूछते रहते हैं कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ, ऐसे सेंटेंसेस बताओ, कुछ ऐसा बहाना बताओ कि सीधी साफ बात हमारे बीच में हो सके, कम शब्दों में या आसान शब्दों में मैं उनको बयां कर सकूं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं शर्मिंदा हूं, मैं क्या चाहती हूं, मैं क्या चाहता हूं, वो सारी चीज़ें. लियो और लिब्रा की एनर्जी भी स्ट्रांगली निकल के आई है, तो ये साइंस आपके उनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप टू. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय.